बीटरूट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए, हेयर के लिए। इसको आपको एवरीडे खाना चाहिए एज अ सैलेड। आप खा सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब अगर आप अपने स्किन पे नेचुरल ग्लो चाहते हैं तो बिल्कुल आपको बीटरूट खाना ही चाहिए। आज के वीडियो में मैं बीटरूट पाउडर के बारे में बताने वाली हूँ। बीटरूट पाउडर भी आप घर पर बना सकते हैं, पर आज मैं एक मार्केट के बीटरूट पाउडर का रिव्यू करने वाली हूँ। और बीटरूट तो मास्क मैं बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, मार्केट का यूज़ करने वाली हूँ। और ये भी बताने वाली हूँ कि ये स्किन पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये है एल्प्स गुडनेस का बीटरूट पाउडर, जो कि क्लेम करता है ये आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करेगा और हेयर लॉस को नहीं होने देगा। प्री मैच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को दूर करता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है, स्किन पे ग्लो प्रोवाइड करता है। 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है और पेस्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव फ्री है। ये जो पाउडर है ये ऑल स्किन टाइप और हेयर टाइप के लिए बना हुआ है। ये 50 ग्राम का पैक है और 75 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अच्छे डिस्काउंट्स भी आपको मिल जाएंगे। आप इसको 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगी इसका पैक बना के आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी पैकेजिंग में लिखा है कि आप इस पाउडर को ऐसे ही गुलाब जल के साथ या फिर नॉर्मल वाटर के साथ मिक्स करके अपने बालों पे, अपने स्किन पे लगा सकते हैं। बाल पे लगाना चाहते हैं तो आप कर्ल मिक्स करके अपने बालों पे या फिर मेहंदी वगैरह में मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं। तो इधर मैंने गुलाब जल और इस पाउडर को, बीटरूट पाउडर को मिक्स कर लिया। आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, पर इसमें मैं कुछ चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी मिक्स की, मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है ऑयली स्किन के लिए। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम दूर करती है, अपने पिंपल दाग धब्बों को दूर करती है। और अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ चंदन पाउडर। चंदन पाउडर बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, सनबर्न, पिगमेंटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। और इसके बाद मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ टी ट्री ऑयल। आप अपनी पसंद का कोई भी एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हैं। आप कोई भी ऑयल जो आपको सूट करता है, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या एलोवेरा जेल, क्योंकि विंटर्स है, ड्राई स्किन हो जाती है, तो आप ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी और 10-15 मिनट में ये फूल जाएगा। तो मैं इसको वॉश कर लूँगी और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको यूज करें, 2 बार ज़रूर यूज़ करें। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं था जो मैंने अपने स्किन पे बीटरूट पाउडर यूज़ किया। मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, पर घर पे बना हुआ मार्केट वाला फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। घर पे बनाना चाहते हैं बड़ा ही आसान है, क्योंकि मेरे यहाँ इतनी धूप नहीं है इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया। पर अगर आपके यहाँ बहुत अच्छी धूप रहती है ना, 3-4 दिन आप इसको आराम से बना सकते हो, 3-4 दिन में बन जाएगा। तो आपको बनाने के लिए करना क्या है कि बीटरूट को लेना है, उनको जैसे कि आलू के चिप्स काटते हैं वैसे ही पतले पतले स्लाइसेस काट लीजिए और उनको ड्राई होने रख दीजिए। 3-4 दिन में अच्छे से ड्राई हो जाएगा। जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो आप इसको ग्राइंड कर लीजिए और जो पाउडर बन जाएगा उसको आप छान लीजिए, और नहीं भी छाने तो भी चलेगा। तो ये बन गया बीटरूट पाउडर, जिसको आप अपने फेस पे लगाओगे, पाउडर फॉर्म पे आप अगर लगाओगे तो आपकी स्किन इतनी पिंकिश हो जाएगी। आप उसको मेहंदी वगैरह में यूज़ करोगे तो आपके बालों पे एक अलग कलर आएगा, मरून टाइप का कलर आएगा। अमेजिंग काम करता है। पर ये जो मार्केट वाला पाउडर था, मतलब इसमें कोई कलर ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि बीटरूट में कलर ना हो? तो मुझे ये पाउडर उतना अच्छा नहीं लगा। और जब मैंने इसका पैक बनाया तब भी जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं किया, क्योंकि मैंने पैक में मुल्तानी मिट्टी और चंदन ये सारी चीज़ें मिलाई थी, तो थोड़ा सा असर उन्हीं चीज़ों ने किया होगा। पर ये पाउडर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो या फिर आपको और किसी ब्रांड का अच्छा दिखता है पाउडर, उसके रिव्यूज़ अच्छे हों, तब कुछ देख लीजिए, तब आप उसको परचेज़ करना। इसके रिव्यूज़ ठीक ठाक थे पर इसने काम नहीं किया, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब प्योर नहीं लगा। और आप घर पे बना के यूज़ करो तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर ये जो पैक मैंने शेयर किया है वो आप ज़रूर बनाना। अच्छे क्वालिटी का आप बीटरूट पाउडर यूज़ करना। बीटरूट पाउडर यूज़ नहीं कर सको तो आप बीटरूट जूस भी यूज़ कर सकते हो और इसको बनाओ, अपने फेस पर लगाओ, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। और एल्प्स गुडनेस के बाकी सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, पता नहीं ये क्यों नहीं अच्छा निकला। तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा आप घर पे बना लें। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।